कवि परिचय वसंत बापट। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे हैं। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। अब आपकी रचनाओं की बात करें तो सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी यानी कि ग्यारहवीं दिशा, तेज सी आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, वैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। नमस्कार, जय गुरुदेव। नवयुग ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। तो शुरू करते हैं आराधना। सबसे पहले हम इसका गान करेंगे। देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों की रक्षणार्थ पौरुष की साधना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे कही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। तो इस तरह का काव्य गान करके प्रार्थना की समझूती प्राप्त करेंगे। कवि कहता है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, मतलब मेरा जो शरीर है वो भी एक मंदिर है, मेरा चित्त मेरा मन वो भी एक मंदिर है, और इस मंदिर में हमारी एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? तो कवि कहते हैं सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य आराधना, मतलब मेरे शरीर रूपी मंदिर में, मेरे चित्त रूपी मंदिर में हमेशा सत्य सुंदर और सबका भला हो इस प्रकार की मंगलता की वो प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन से मेरे चित्त से एक ही प्रार्थना उठती है कि सबका भला हो,
सबका सुंदर हो और सभी लोग सत्य की राह पर चले, यही कवि की प्रार्थना है। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना। कवि अपने मन से यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं कि दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं उन सबका दुख समाप्त हो जाए, वो सुखी हो। दुखियारों का दुख जाए यही है मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। हम दूसरे की पीड़ा, दूसरे की वेदना को समझ सकें और समझकर उनकी पीड़ा, उनका दर्द, उनका दुख दूर कर सके, यही कवि के मन की कामना है, यही कवि की प्रार्थना है। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना, मतलब जो दुर्बल है, कमजोर है, उनकी रक्षा के लिए कवि शक्ति और शूरवीरता की साधना करना चाहते हैं कि मैं अपने शरीर से दुर्बल लोगों की सहायता कर सकूं, उनका दुख दर्द पीड़ा जो है दूर कर सकूं, यही उनकी पौरुष यानी शौर्य की साधना है। जीवन में नव तेज हो, मतलब हर एक व्यक्ति के जीवन में नवीन तेज का संचार हो। अंतरंग में भावना, मतलब यही कवि की हृदय की भावना है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में नया प्रकाश हो, नई चेतना उत्पन्न हो। सुंदरता की आश हो, मानवता की हो उपासना, मतलब हर जगह सुंदर वातावरण बने, सुंदर विचार पनपे, यही उनकी आशा है। मानवता की हो उपासना यानी मनुष्यता की उपासना हो, मनुष्य मनुष्य का शत्रु ना हो, उसका दुश्मन ना हो, उन हर एक व्यक्ति मनुष्यता की यानी कि मानवता की उपासना करें। शौर्य पावे है, मतलब कोई व्यक्ति कमजोर न हो, सब शक्तिवान बने। धैर्य पावे यानी धीरजवान हो, धैर्य वाला बने, यही है अभ्यर्थना। कवि की प्रार्थना यही है कि हर एक व्यक्ति शूरवीर बने, शक्तिशाली बने, धैर्यवान बने, ये उनके मन की प्रार्थना है। भेद सभी अस्त होए, मतलब मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि कई प्रकार के भेद हो, तो ये सारे भेद जो हैं वो समाप्त हो जाएं। वैर और वासना, मतलब वैर और वासना भी समाप्त हो जाए, मनुष्य के बीच में कोई भी प्रकार का वैर भाव ना हो, किसी भी प्रकार की वासना ना हो, यही कवि की प्रार्थना है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मतलब मनुष्य मनुष्य का शत्रु ना होकर उसका मित्र बने, उसका सहयोगी बने और सब एक जुड़कर साथ में रहे, यही उनके मन की प्रार्थना है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, कवि की कल्पना है कि मानव मानव जो हैं एकता से रहें, बंधुता से रहें, यही उनकी कल्पना है। और इसी कल्पना के साथ कवि अंत में कहते हैं, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, मतलब सब लोग स्वतंत्र हो, सभी लोग बंधुता से जुड़े हुए और स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हुए कवि अपने मन और तन से यही प्रार्थना बार बार करते हैं कि सभी मानव का कल्याण हो, सभी लोग सुंदरता की राह पर चले, सत्यता की राह पर चले और विश्व बंधुत्व की उनकी जो कल्पना है, वसुधैव कुटुंबकम की जो कल्पना है वो कल्पना साकार हो, इस प्रकार का भाव जो है इस काव्य में प्रकट हुआ है। तो आशा करता हूँ ये कविता आपको समझ में आई होगी। काव्य के संदर्भ में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर मुझे बताना। धन्यवाद। जय गुरुदेव।